हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेलीग्राम को यूज करके कुछ ऑटोमेशन वगैरह की। और बहुत से यूजर्स हैं वो ये पूछ रहे थे कि टेलीग्राम को यूज करके कैसे जो है हम ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं मैसेज वगैरह का, और कैसे जो है हम ऑटो फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक ग्रुप में मैसेज आया तो कैसे मैं उस मैसेज को दूसरे ग्रुप वगैरह में फॉरवर्ड कर सकता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग जो है टेलीग्राम बॉट का यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग डायरेक्टली जो टेलीग्राम यूजर अकाउंट है वो यूज करने वाले हैं। तो ये करने के लिए आपको जो है तीन चार चीजें जो है इम्पोर्टेंट चाहिए। सबसे पहली चीज है कि आपको my.telegram.org पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। और यहाँ पे जाने के बाद बेसिकली आपको API डेवलपमेंट टूल्स दिखेगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक आपको विंडो पर लेकर जाएगा। जो विंडो अभी दिखा रहा है मेरे को, ये वाली आपको नहीं दिखेगी। आपको एक विंडो दिखाएगा फर्स्ट टाइम, जिसमें आपको अपनी एप्लीकेशन का जो है नेम, डिस्क्रिप्शन और थोड़ा बहुत जो है इन्फॉर्मेशन डालना होगा। उसमें आप कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये वाली स्क्रीन खुलेगी। अब यहाँ पे देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है API ID एंड API हैश। ये जो है ये सेम लाइक आपका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह की तरह है। तो क्योंकि ये यूजर नेम पासवर्ड है, इसको किसी से भी शेयर करने की गलती मत करना। अगर आपने ये शेयर कर दिया तो कोई भी आपका अकाउंट जो है डिलीट कर सकता है। इसको यूज करके आपका टेलीग्राम अकाउंट बड़े आराम से डिलीट कर सकता है। अब आते हैं सेकंड चीज जो इसके बाद हमें चाहिए। वो हमें चाहिए, हमें जाना है ये टेलीग्राम, सॉरी हमें जाना है पाइथन पे, और हमें इंस्टॉल करना है टेलीथॉन। टेलीथॉन इंस्टॉल करने के लिए आपको डालना है पिप इंस्टॉल टेलीथॉन, और आपका जो टेलीथॉन इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो है डॉक्यूमेंटेशन आप थोड़ा बहुत दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप रीड द डॉक्स, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जाने के बाद आप जो है कम्प्लीटली पूरा जो है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। आप काफी चीजें इससे समझ पाओगे कि कैसे आप जो है जो इनकमिंग मैसेजेस को रीड करना है, कैसे किसी को रिप्लाई करना है, एंड सो ऑन। बहुत सी चीजें हैं इसमें। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कुछ भी चीज आप सीख रहे हो तो हमेशा ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको रेफर करो। उससे क्या है कि काफी आपको आसानी मिलती है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो हाफ नॉलेज या कुट नॉलेज आपको मिलेगी। तो हमेशा कोशिश करो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको रीड करना शुरू करो। स्पेशली अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो धीरे धीरे आप बहुत इजीली सीख पाओगे। अब मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमें पाइथन में कैसे इसकी कोडिंग करनी है। तो कुछ मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रखे हैं, ऑलरेडी इस डॉक्यूमेंटेशन से ही उठाया है थोड़ा बहुत। और हम अब चलते हैं, लेट मी स्प्लिट माई स्क्रीन ताकि जो है साइड बाय साइड हम लोग देख सके। तो इस साइड में जो है आप देखोगे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, या बेसिकली अगर आप देखोगे टेलीग्राम भी मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे। और टेलीग्राम में आप देखोगे मैं बहुत से ग्रुप में एडिड हूँ। अब मैं बहुत से ग्रुप में कैसे एडिड हुआ कि मैंने कोई दो चार ग्रुप जो है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड AWS क्लाउड या जो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशनल ग्रुप्स थे उनको ज्वाइन किया था। फिर उन्होंने धीरे धीरे मेरे को लोगों ने इधर उधर, आपको पता है टेलीग्राम पे कितनी स्पैमिंग होती है, सारे ग्रुप्स में ऐड कर दिया। अगर इस टाइम पे आप देखोगे कम से कम मैं 300-400 ग्रुप में ऐड हूँ। तो इसलिए अगर कोई इंडिविजुअल मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज भेजता है तो मैं उनका मैसेज रीड नहीं कर पाता। बड़ी मुश्किल होती है इन सब मैसेज में से एक जो है एक्चुअल मैसेज रीड करने में। अब हम आते हैं यहाँ पे, जो आप देखोगे अगर आप पाईचार्म यूज़ कर रहे हो, इस केस में मैं जो पाईचार्म यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपको इंस्टॉल करना है टेलीथॉन तो आप सीधा लिखिए, यहाँ पे जाइए टर्मिनल में, टर्मिनल के बाद लिखिए पिप इंस्टॉल टेलीथॉन, या जैसे भी आप इंस्टॉल करते हैं पैकेज वो वाला आप तरीका फॉलो कीजिए, टेलीथॉन पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है फ्रॉम टेलीथॉन इम्पोर्ट टेलीग्राम क्लाइंट एंड इवेंट्स। ये दो चीजें आपको इम्पोर्ट कर लेनी है। उसके बाद जो API ID एंड API हैश है जो आपको मिला था, जो मैंने स्टेप 1 में बताया था, वो आपको उठा के यहाँ डाल देना है, अपडेट कर देना है। यहाँ पे आप देखोगे API हैश जो है ये मेरा एक्चुअल में API हैश नहीं है, ये मैंने जो है जस्ट कोई डमी डेटा डाला है। फिर उसके बाद जो एक्चुअल API हैश है वो मैं रीड कर रहा हूँ एक फाइल से। तो मैंने फाइल में हैश रखा हुआ है ताकि आपको दिखे ना जबकि मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, तो वहां से मैं रीड करके जो है API हैश वेरिएबल में डाल रहा हूँ। अब ये चीज आपको स्टेप 6 एंड 7 करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने सिस्टम पे प्ले अराउंड कर रहे हैं, आप डायरेक्टली जो आपका हैश आपने उठाया होगा वो यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद आते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो है एक टेलीग्राम क्लाइंट जो है वो हमने यहाँ पे समझ लिया आपने स्टार्ट किया है। और उसके बाद जो है हमने एक जो सेशन ID है वो पास किया है जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे अनॉन, आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हमने जो API ID एंड पासवर्ड, यानी कि हमारा बेसिकली जो यूजर नेम पासवर्ड आप बोल सकते हैं वो था, वो हमने पास कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद जो अगर देखोगे ये एक्चुअली पाइथन डेकोरेटर है, थोड़ा सा आपको जो है काइंड ऑफ यू नो कन्फ्यूजिंग लग सकता है थोड़ा सा। तो ये एक्चुअली जो है डेकोरेटर है और ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है अगर आपको पाइथन इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं आती। इनफैक्ट जो है
ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो हम इसके ज़्यादा डिटेल में घुसने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो यहाँ पे कोई PhD नहीं करनी है इस पे। हमें बस जो तीन चीज़ें जो हमारी इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है, तीन चीज़ें हमें इसमें सीखनी है, जो कि मैसेज रीड करना, रिप्लाई करना है एंड ऑटो फॉरवर्डिंग करना। तो यहाँ पे समझते हैं हो क्या रहा है। बेसिकली हम बोल रहे हैं कि जितने भी इवेंट्स हैं उस इवेंट्स के जो चैट आईडी है वो हमें प्रिंट करके बताए। और इवेंट क्या होता है, इवेंट यानी कि कोई भी मैसेज आपको आया है, चाहे वो किसी ग्रुप से आ रहा हो, चाहे वो आपको किसी यूज़र ने भेजा हो, वो सारे आपके इवेंट है। कोई भी मैसेज है वो बेसिकली एक इवेंट है। तो हम बोल रहे हैं कि इवेंट से चैट आईडी उठाओ और उसको प्रिंट करो यहाँ पे। और यहाँ हम बोल रहे हैं कि जो है इसको थ्रेड को स्टार्ट कर दो और इसको चलाते रहने दो जब तक कि ये डिस्कनेक्ट हम नहीं कर दें, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटा ये सिर्फ ये कोड में हम बोल रहे हैं। अब इसको राइट क्लिक करके इसको मैं चलाता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आते रहते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी ग्रुप में मैसेज भेजता रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे इवेंट्स, जो लेफ्ट साइड में आप देखोगे इसकी आउटपुट, अभी बहुत से इवेंट्स जनरेट होंगे। तो जैसे जैसे यहाँ मैसेजेस आते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ इवेंट जनरेट होंगे। अगर कोई मैसेज नहीं आ रहा होगा तो यहाँ इवेंट भी कोई जनरेट नहीं होगा। जनरली ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मैसेज ना आए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी जो है मैसेज वगैरह आ रहे थे, और ये जो उन मैसेजेस की जो चैट आईडी है वो प्रिंट कर रहा है। अब सिर्फ चैट आईडी से हमें ये पता चल रहा है कि कौन से ग्रुप से मैसेज आया, लेकिन उसके अलावा जो है कुछ खास पता नहीं चल रहा है। तो जैसे अगर हमें देखना है पूरा कि जो ये मैसेज है, ये पहले तो पूरे का पूरा एक बार इवेंट देख लेते हैं कि ये पूरे इवेंट में एक्चुअली है क्या, किस टाइप का डेटा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो चैट आईडी है मैंने उसको कमेंट कर दिया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इवेंट, ठीक है। और हम इसको डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, इस बार देखते हैं कि क्या होता है। तो इस बार आप देखोगे कि इवेंट यानी कि कंप्लीट जो मैसेज था अलॉन्ग विद अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किसने भेजा, क्या मैसेज भेजा, क्या चैट आईडी थी, क्या यूजर आईडी थी, वो सारा यहाँ पे आप देखोगे प्रिंट होना शुरू हो गया। अब इसको मैं फिर से स्टॉप कर रहा हूँ, और थोड़ा सा हम राइट साइड पे स्क्रॉल करके आप देखोगे यहाँ पे चैट आईडी, डेट टाइम, चैनल आईडी, यूजर था, साइलेंट था मैसेज, क्या था, बॉट ने भेजा है, क्या भेजा, क्या मैसेज भेजा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो किसी ने मैसेज भेजा है कुछ गेम वगैरह टाइप के चैनल में। तो जो भी मैसेज है ये कंप्लीट सारे का सारा जो मैसेज है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैंने यहाँ पे कोड थोड़ा बहुत ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से उठा के मैं जैसे जो चैट वाला है वो वाला पोर्शन हम यहाँ पे देखते हैं कि उसमें क्या आता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको चैट आईडी दिखा रहा था, अब हम इसको करते हैं रिमूव, और यहाँ पे हम देखते हैं कंप्लीट चैट। तो ये थोड़ा सा जो यूजर फ्रेंडली है इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो मैसेज वगैरह आ रहे हैं वो कौन से मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पे देखो टेलीग्राम राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ मैसेज वगैरह कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। यहाँ पे देखो जो है इसका आउटपुट आना शुरू हो गया जो प्रोग्राम हमने रन किया था। तो ये जो है टाइटल बको चैट, यानी कि कोई ग्रुप है वहां से हमें ये मैसेज आ रहा है। ये जो है यूट्यूब डाउनलोडर वीडियो है, ठीक है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसका मैं पार्ट हूँ, वहां से हमें कोई भी कोई अगर मैसेज वगैरह एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यानी वो सारे इवेंट जो है यहाँ कैप्चर हो रहे हैं। तो यानी आपको इससे ये तो क्लियर हो गया कि जितने भी मैसेज हैं, चाहे वो किसी इंडिविजुअल यूजर ने भेजे हो, चाहे कहीं से भी आया हो, उसका आपको ट्रैक रखना आ गया कि हाँ अगर आप लिखोगे इवेंट डॉट गेट चैट तो उसके सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चाहो तो इसको आप फाइल में सेव कर लो, अगर आप चाहो तो इसको डेटाबेस में सेव कर लो, या जैसी भी आपकी इच्छा है वैसा आप इसको कर सकते हो। अब हम देखेंगे कैसे हम किसी मैसेज को रिप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इस मैसेज में हमें पता चला है आईडी यानी कि कहाँ से मैसेज आया है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके अलावा आई थिंक इसमें कुछ खास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे अब हम किसी भी किसी को रिप्लाई वगैरह बेसिकली कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है हमें चाहिए, जैसे फिर से अपने ये जो कोड मैंने लिखा होता है यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जो है इवेंट डॉट चैट आईडी में हमें क्या मिलता है कि ये जो चैट है वो कहाँ से आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे इसको जो है कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं चैट आईडी इज इक्वल टू इवेंट डॉट चैट आईडी, यानी हमें पता चल जाएगा मैसेज कहाँ से आया है। और उसके बाद जैसे आप इस मैसेज आपको पता चल गया ये मैसेज कहाँ से आया है, फिर उसके बाद आप देखना चाहोगे यार मैसेज आया क्या है, क्या लिखा हुआ है मैसेज में, और उसके बेसिस पे आप रिप्लाई कर सकते हो। तो मैसेज जो है वो होता है इवेंट डॉट रॉ अंडरस्कोर टेक्स्ट में। तो यहाँ पे जो भी मैसेज होगा वो मैसेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे अगर जैसे सिर्फ मैं इसको प्रिंट करवाना हो मुझे, तो मैं यहाँ पे एक बार पहले प्रिंट करवा लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मैसेज आ रहा है और कहाँ से कौन से ग्रुप से आ रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम डालते हैं फॉर्मेट और यहाँ पे प्रिंट करते हैं चैट आईडी और प्रिंट करते हैं मैसेज। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको चलाता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है इस बार। थोड़ा सा ये वीडियो गाइज लंबा जरूर होगा बिकॉज सारे स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा यहाँ समझाने वाला हूँ। अब इसको जो है स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से हमें कुछ किसी ने फुल लिखा हुआ था, फिर ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे कुछ फोन पे या समथिंग गूगल पे या कुछ कुछ जो भी है मैसेज वगैरह लिखा हुआ था। अब यहाँ पे आपको देखो ये मैसेज वो भी मिल गया, ग्रुप नेम भी मिल गया एंड ये जो भी था वो मिल गया आपको। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हम कोई एक ग्रुप पकड़ लेते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस के लिए या हम रिप्लाई कर सकते हैं। एक आई थिंक ग्रुप था यूट्यूब YouTube डेमो ग्रुप, ठीक है, तो ये जो YouTube डेमो ग्रुप है हम इसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पे जो है कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज वगैरह डालते हैं। दिस इज टेस्ट YouTube डेमो ग्रुप। अभी मैं इसको सेंड नहीं करूँगा, पहले मैं इस प्रोग्राम को चलाने वाला हूँ और उसके बाद फिर हम इसको सेंड करेंगे ताकि वो चीज़ यहाँ कैप्चर हो जाए। अब इसको मैं करता हूँ, हमारा प्रोग्राम चल चुका है तो मैं इसको सेंड करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ मैं इसको स्टॉप करता हूँ। आप देखो ये वाला जो मैसेज था This is test YouTube demo group. तो ये हमने यहाँ पे भेजा और ये जो है इस प्रोग्राम ने कैप्चर कर लिया। और ये मैसेज कहाँ से आया, यानी कौन से ग्रुप आईडी से आया या चैट आईडी से आया, वो चीज़ ये वाली है। ठीक है, ये जो नंबर आप देख रहे हो ये वो चीज़ है। तो हम क्या करते हैं, अब हम बोलते हैं कि यार अगर इस ग्रुप से कोई मैसेज आ रहा है तो हम उसको ऑटो रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे, इफ जो चैट आईडी है, कंडीशन एक काम करते हैं इसको नीचे लगाते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं कि इफ चैट आईडी जो है इक्वल टू है इस आईडी के, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जैसे हम मैसेज देखेंगे कि जो मैसेज है वो क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे जो मैसेज है, अगर जैसे मैसेज हाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम बोलते हैं इफ जैसे हाई लिखा हुआ है मैसेज में तो क्या करें, प्रिंट उसको कर दें हेलो फ्रॉम विकास, जो भी आपका नाम है, कुछ भी आप मैसेज आपने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो इस केस में अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ रिप्लाई कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ हाय, तो उस केस में ये जो प्रोग्राम है वो रिप्लाई करेगा हेलो फ्रॉम विकास। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी मैसेज हो सकता है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैसेजेस हो सकते हैं, या यहाँ पे अगेन जो मैंने डेटा सेट पिछले प्रोग्राम में यूज किया था लास्ट वीडियो में वो डेटा सेट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको चला के देखते हैं पहले, तो यार ये चल भी रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। अब इसको स्टार्ट कर दिया हमने, अब यहाँ पे लिखते हैं इस लेसे हाय लिखते हैं और देखते हैं कि ये रिप्लाई करता है कि नहीं करता है। ओके, तो इसने रिप्लाई तो किया लेकिन मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा लिया हेलो फ्रॉम विकास, लेकिन हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें तो रिप्लाई करना है उसको, यानी हमें जो है इस ग्रुप में मैसेज भेजना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो है हम सिंटेक्स देख लेते हैं कि क्या है जो ग्रुप में मैसेज भेजने का। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे सारा सिंटेक्स दिया हुआ है, तो मैसेज भेजने के लिए आपको ये यूज़ करना है। तो इसको लेसे मैं उठा लेता हूँ और इसको रादर देन प्रिंट करने की बजाय अब हम ये प्रिंट नहीं करेंगे, हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम यूज़ करेंगे क्लाइंट डॉट सेंड मैसेज। और यहाँ पे जो है आपको ऑब्वियसली ये नंबर नहीं डालना है, आपको डालना है चैट आईडी, और चैट आईडी आपको पता है यही वाला होगा बिकॉज हमने बोल दिया है कि अगर ये वाला चैट आईडी है तभी इस लूप में आए, यानी ये वाला तभी चलेगा जब कोई मैसेज उस ग्रुप से आएगा। और हम चेक कर रहे हैं कि मैसेज में हाय लिखा है, अगर हाय लिखा है तो हम उसको हेलो उसको हम रिप्लाई कर देंगे हेलो फ्रॉम विकास। ठीक है, जो भी आपका यूज़र है कुछ भी आप जो इसमें लिख सकते हैं। अब इसको फिर से चलाते हैं और देखते हैं, इस टाइम मैं फिर से मैसेज भेजूंगा इस ग्रुप में जाके, हाय लिखते हैं देखते हैं क्या होता है। ओके, अब देखा मैंने इस टाइम हाय लिखा तो हेलो फ्रॉम विकास जो है रिप्लाई आ गया तुरंत के तुरंत। तो आप हाय के बजाय और भी मतलब डिफरेंट वर्ड हो सकते थे, या जैसे आई थिंक किसी यूजर ने पूछा था कि क्या क्या हम इसमें, तो बेसिकली जैसे मैं एक एक्सेल फाइल है उसमें सारे क्वेश्चन आंसर लिख सकता हूँ, तो मैं मैच कर सकता हूँ कि अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो ये वाला आंसर भेज दे बॉट। ठीक है, तो जो भी है बेसिकली कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। तो आपने सीख लिया कि सारे मैसेजेस कैसे रीड करने हैं और मैसेजेस का रिप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ये वाला जो मैसेज है वो मैंने रिप्लाई किया है इस ग्रुप पे, लेकिन अगर आप जैसे मल्टीपल चैट आईडीज जो हैंडल करना चाहते हो तो आप मल्टीपल यहाँ पे चैट आईडी डाल सकते हो, कि जैसे अगर आपने बोला चैट आईडी इक्वल टू ये वाला है
या आपने बोला और चैट आईडी इक्वल टू कोई और ग्रुप है, लेट्स से अगर आप जो है 5-7 ग्रुप से जो है वो 5-7 ग्रुप में आप हैं और उसको आप मैनेज करना चाहते हैं थ्रू दिस प्रोग्राम, तो आप इसमें मल्टीपल चैट आईडी वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली अभी तक जितना भी समझाया बहुत ईजी था, समझ में आ गया। तो यहाँ ये तो आपको पूरा ईजिली बहुत ईजी था, सारा समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई ये जो है मैसेज यहाँ से गए, यहाँ से आपको रिप्लाई आ गया एंड सो ऑन। तो अब हम एक काम करते हैं, ये जो किंग लूडो क्लब है ठीक है, इसके मैसेज हम लोग रीड करते हैं और उसको ऑटो फॉरवर्डिंग लगाते हैं अपने जो हमारा ग्रुप है उस पर। तो उसका जो है चैट आई डी ये है, तो हमें ये वाला उठाना है और इसको हमें जो है कंपेयर करना है। तो हम बोलेंगे इफ चैट आई डी इक्वल टू दिस, तो उसके बाद क्या करे जो मैसेज हैं वो उठा के जो है फॉरवर्डिंग करना शुरू कर दे। और हमें फॉरवर्ड कहाँ पे करना है, हमें फॉरवर्ड करना है यहाँ पे। फॉरवर्ड करने का बेसिकली कोड ये है और उसको उठा के हमें जहाँ पे फॉरवर्ड करना है उसका जो ग्रुप आईडी यानी कि चैट आईडी है वो ये वाला है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये जो यहाँ पे डालता हूँ चैट आईडी पे। और हमें क्या फॉरवर्ड करना है, जो भी इवेंट में मैसेज आ रहे हैं यानी इवेंट डॉट रॉ अंडरस्कोर टेक्स्ट, वो हमें फॉरवर्ड करना है। तो अब क्या होगा, ये जो किंग लूडो क्लब है, एक बार इस ग्रुप पे चलते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, जो किंग लूडो क्लब है उसके सारे मैसेज जो हैं अब हमारे ग्रुप में आने शुरू हो जाने चाहिए। पहले बको चैट पे कर रहे थे ट्राई, अब इसको जो है हम मूव ऑन करते हैं किंग किंग लूडो क्लब। ओके, ये वाला है किंग लूडो क्लब। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैसेज आएंगे वो ऑटो फॉरवर्डिंग हो जाएगी ये जो हमारा ग्रुप है। अब एक काम करते हैं, इसको जो कोड को हमारे जो हमारा कोड है इसको चलाते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है कि नहीं। इस बार थोड़ी सी गलती हो रही है यहाँ पे। ओके, आई थिंक लास्ट टाइम जो गलती मेरी वजह से हुई थी, मैंने जो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैसेज आना शुरू हो गया, यानी एक 1K फुल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो मैसेज है ये लूडो किंग जो ग्रुप है वहाँ पे भेजा हुआ था, जो कि ऑटो फॉरवर्ड यहाँ पे हो गया है। तो अगर हम जाके देखते हैं इस ग्रुप में जो मैसेज आया हुआ है, सिमिलर मैसेज है या कुछ और भी आया है नया, तो यार अगर मैं एक जगह खोल रहा हूँ तो दूसरी जगह प्रॉब्लम आ रही है। अब हाँ देखो, 1K फुल लिखा था किसी ने और सेम मैसेज जो है वो हमारे ग्रुप में आ गया जिसमें हम फॉरवर्ड करना चाहते थे। अब लेट्स से मैं जानबूझ के कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वो सारा जो भी कॉन्वर्सेशन है वो वहाँ हमारे ग्रुप में फॉरवर्ड होगा। व्हाट इज दिस ग्रुप यूज फॉर, जैसे अगर कोई इसका रिप्लाई करता है, पहले तो ये वाला जो मैसेज है ये भी ऑटो फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई रिप्लाई करता है तो यहाँ देखो मैसेज ऑलरेडी आ गया है और ओके भी लिखा हुआ आया, यानी कि किसी ने इस ग्रुप में कुछ ओके वगैरह लिखा होगा। तो यहाँ देख सकते हो विन लिखा है, ओके लिखा है, तो ये सब मैसेज जो है ऑटोमेटिकली यहाँ आपने देखा विन भी लिखा हुआ आ गया। व्हाट इज दिस ग्रुप लूडो, किसी ने वहाँ पे उस ग्रुप में लिखा है लूडो, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ गई। यानी आप देख रहे हो कैसे ऑटोमेटिकली जो है मैसेज को रीड कर रहा है और फॉरवर्ड कर रहा है हमारे ग्रुप पे। अगर सेम चीज़ आप चाहो कि यार मल्टीपल ग्रुप से उठा के मुझे इस किसी सिंगल ग्रुप में भेजना है, तो अगेन उसके लिए जो कोड है बहुत सिंपल है। आपको बोलना है कि जितनी भी चैट आईडीज हैं कि ये सारे चैट आईडी से उठाओ और भेजना शुरू कर दो। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन बाकी जो सारा है रिमेनिंग वो ठीक वैसे रहने वाला है। तो अगेन ये जो किंग लूडो ग्रुप है इसमें भी कुछ ज़्यादा भी चल नहीं रहा है इस टाइम पे, इसलिए ज़्यादा मैसेज यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं हो रहे। तो आई थिंक तीनों चीज़ थी। यहाँ पे किसी ने लूडो बैटिंग लिखा है, तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं हमारे ग्रुप में वो लूडो बैटिंग जो भी उसने लिखा है वो चीज़ वहाँ पे आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखोगे वो वाला मैसेज भी ऑटोमेटिकली इस ग्रुप में आ गया। तो आपने तीनों चीज़ जो मैंने बोली थी कि कैसे जो इवेंट्स हैं यानी मैसेज हैं डिफरेंट ग्रुप से जो आए हैं उसको कैसे रीड करना है, फिर कैसे किसी इंडिविजुअल यूज़र को या किसी ग्रुप पे रिप्लाई करना है, और कैसे किसी मैसेज वगैरह की ऑटो फॉरवर्डिंग लगानी है। तो होपफुली ये तीनों चीज़ें हेल्पफुल रही हैं। और आई थिंक इस वीडियो में थोड़ी बहुत हमने मिस्टेक्स भी की है जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत जो है ट्रबल शूटिंग करने का भी मौका मिला है। तो अगर कुछ इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, या कुछ कोई ऐसा टॉपिक हो जो ज़्यादा डिटेल में समझना हो, तो उसके लिए मैसेज कर देना नीचे कमेंट सेक्शन वगैरह में बता देना, तो ज़्यादा डिटेल में उस पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए, और अगर पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।